घाटे घाटे घाट देखनी, देश के विकास देखनी, मोदी के सरकार देखनी, योगी के कमाल देखनी, बुलडोजर के वार देखनी। का भैया ठीक बा, मोदी योगी मनोज तिवारी कर ऐसन कमाल है, मोदी योगी मनोज तिवारी कर ऐसन कमाल, आ देश के आगे झुके तो कांग्रेस के सरकार बोला है रे, है रे मोदी सरकार जो देश को बर्बाद कर रहे हैं ना, ये सबको इन्हें एक एक पकड़ के समुद्र में फेंक देते। और ये तो कह रहे हम तो देश को आबाद करेंगे, हमको लाओ। ये अब पहले से कराए ना आबाद, जो अब करेंगे ये भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे ना। अरे वो ड्रामा सब, वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो भारत तोड़ो यात्रा। पर मोदी जी का जन्मदिन तो मना लेंगे, 100 दिन में अच्छे दिन आए कि नहीं है? 100 दिन में बहुत अच्छा काम हो रहा है और काम चल रहा है, तो सब कुछ है। मोदी है तो सब कुछ है, सब कुछ है। पक्ष तो कह रहा है ना कि अरे विपक्ष क्या लूटे रहे, विपक्ष की क्या ये लूटे रहे हैं। वो पप्पू अमेरिका में जाके कह रहा, वो सरदारों को भड़का रहा, मुसलमानों को भड़का, दंगा फसाद करना, इधर कांग्रेस का जन्म से तत्कार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। केंद्र सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है और इस कार्यकाल के साथ में सवाल उठता है कि क्या वाकई 100 दिन के पहले जो आने से पहले जो है सरकार ने ये बात कही थी कि मैं आऊँगा तो बहुत ज़्यादा वो ऐसे वादे हैं जिसको पूरा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वाकई 100 दिन में वो चीज़ें हुई हैं, क्योंकि विपक्ष ने तो साफ तौर पर ये बात बोल दी है कि केवल रेल हादसे, आतंकवादी हमले, महिलाओं के साथ अत्याचार और युवाओं के लिए कोई भी काम धरातल पर नहीं हुआ है। तो यही कैनॉट प्लेस में मौजूद और यही की जनता से, युवाओं से, हर एक से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई 100 दिन में अच्छे दिन आए हैं या फिर वाकई जो कांग्रेस कह रही है कि बुरे दिन, वो बुरे ही दिन आए हैं। वाकई अच्छे दिन आए हैं? बिल्कुल अच्छे दिन आए हैं। पहले सबसे तो पहले आपको आज पुष्कर सिंह धामी का, हमारे का जन्मदिन है। अच्छा, पहले तो आप मुंह मीठा करिए पहले। और कल हमारे मोदी जी का जन्मदिन है, वो भी हम यहाँ धूमधाम से मनाएंगे। अरे पर मोदी जी का जन्मदिन तो मना लेंगे, 100 दिन में अच्छे दिन आए कि नहीं? 100 दिन में बहुत अच्छा काम हो रहा है और काम चल रहा है, सब कुछ है। मोदी है तो सब कुछ है, सब कुछ है, बाकी चोर उचक्के का कुछ भी नहीं है। पर विपक्ष तो कह रहा है ना कि अरे विपक्ष क्या लूटे रहे, विपक्ष की क्या ये लूटे रहे हैं। आज तक कुछ करा ही नहीं, मोदी काम कर रहा था उसके भी 38 रेल हादसे करा दिए, 26 आतंकवादी हमले करा दिए। तो ये तो कांग्रेस का वो जन्म सिद्ध अधिकार है जो आतंकवादी को बढ़ावा दे रही है। वो पप्पू अमेरिका में जाके कह रहा, वो सरदारों को भड़का रहा, मुसलमानों को भड़का, दंगा फसाद करना, इधर कांग्रेस का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कांग्रेस का अधिकार है? हाँ, ये कांग्रेस का अधिकार है, कांग्रेस ही दंगा करवा दिया, जितने भी हादसे हुए सब कांग्रेस के करवाए हुए। पर वो तो आज आरोप भाजपा पर लगा रही है। अरे भाजपा पर लगा रहे हैं, लगाने दो, उसका क्या, हम उस पर लगा रहे हैं, कह रहे युवाओं के लिए कुछ काम ही नहीं किया। अरे युवाओं के लिए भतेरा और क्या चाहिए, 24 घंटे में तो एक जिला तैयार हो जा, एक साल में एक ऑस्ट्रेलिया तैयार हो जा, तो सबको नौकरी कहाँ से सरकारी मिलेगी। अरे ये भी सोचो, पहले उसको देखो, उसके बाद में बात करिए, जाओ। ठीक है, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, देखिए काम बहुत अच्छा चल रहा है, मोदी जी का मिशन जो है बहुत अच्छे सक्सेस हो रहा है। अब क्या हो रहा है, विपक्ष को तो बातें बनानी है और कुछ नहीं है। ये देखो हिंदू मुस्लिम करना यही करा रहे हैं, जाति जनगणना की बात कौन करा रहा है, विपक्ष करा रहा है, कांग्रेस करा रही है। हम मोदी जी इन बातों से हटके वो विकास की तरफ जा रहे हैं, ना कि वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी जात पात को नहीं देख रहे हैं, सबका बराबर पूरा उनका विकास हो रहा है। लेकिन कैसे, जब 38 रेल हादसे मिल जाए, रेल हादसे जो हो रहे हैं, पहले तो 44 सीटें थी तो रेल हादसा कोई नहीं होता था। क्या ये बताइए मुझे, क्या आज आप रेल से सफर करना मुनासिब समझेंगे या कि आपके अंदर भी खौफ रहेगा वो? देखिए सबसे पहले क्या है, जो ये वक्फ बोर्ड है, जो संशोधन किया है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा ये हल्ला कौन काट रहा है, कांग्रेस काट रही है। और इन ये कभी नहीं बोलेंगे कि रेल पटरियों पे ये जितने रोंगिया बसे हुए हैं इनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है, इनको हटाया जाए, उनका तो ये समर्थन में खड़े हैं। वही आज जितनी तस्करी हो रही है नशे की, वही रोंगिया कर रहे हैं, जितना भी रेल हादसे हो रहे हैं ये रोंगिया कर रहे हैं बाहर के। हमारे देश का जो मुस्लिम है कभी देखा सड़कों पर उतरता नहीं, उतरेगा, क्योंकि ये रोंगिया और बांग्लादेशी जो है यही सड़कों पर उतरते हैं। जो हमारे देश के मुस्लिम है ये कभी नहीं सड़कों पर उतरते, क्योंकि उनको अपने कामों से फुर्सत नहीं है। अब ये जितने हैं रेड़ी पटरी पे जितने पड़े हैं, आप देखो सारे ये रैन बसेरे हैं, रैन बसेरों में भरे पड़े हैं। इनको कुछ नहीं करना, इनको आतंकवाद मिटाना है। जैसे 99 सीटें दी हैं लोगों ने, अब उनको गिफ्ट तो मिलना वाजिब है, शुक्र मांगो कि 99 आई हैं। अगर 200 सीट का गिफ्ट मिल रहा है, हाँ ये गिफ्ट मिल रहा है हिंदुस्तानियों को,
अगर कहीं 272 आ जाती तो हिंदुस्तान की आज बांग्लादेश बनने में देर नहीं लगती। कहाँ भाग जाते चचा, कहाँ भाग जाते? ये भाग जाते समुद्र में गिर जाते, सबको डुबा दिया जाता। जितने ये डकैत हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं ना, ये सबको इन्हें एक एक पकड़ के समुद्र में फेंक देते। पर ये तो कह रहे हम तो देश को आबाद करेंगे, हमको लाओ। ये अब पहले से कराए ना आबाद, जो अब करेंगे ये। जहाँ देखो गणेश मूर्ति की विसर्जन पे, जहाँ देखो वहीं पत्थर, जहाँ देखो वहीं दंगा। आज मध्य प्रदेश में कितने दंगे हुए हैं। राहुल गांधी ऑस्ट्रेलिया जाके, अमेरिका जाके बड़ा बड़ा बात कह रहे थे। वो तो भड़का रहे हैं मुसलमानों को। सरदारों को कह रहे तुम्हारा कड़ा पहनने का अधिकार है, पगड़ी पहनने का अधिकार है, वो तो भड़का रहे हैं। हिंदुस्तान में वो तो वो कर रहा, उन्होंने तो पहले 4 साल पहले बोल दिया कि हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। वो तो टुकड़े करने के चक्कर में, वो देश के प्रति थोड़ी है उसका कोई देश से हिंदुस्तान से लगाव, कुछ लगाव नहीं है। कुछ भी लगाव नहीं है, 1% 0% तो भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे ना। अरे वो ड्रामा सब, वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो भारत तोड़ो यात्रा। वो दंगा फसाद के सिवाय सबको भड़काता है। देखिए दंगा फसाद को पूरी तरीके से, और भी कुछ लोग हैं जिनसे आ जाए बात करेंगे। आप क्या लग रहा है भाई? मोदी जी के लिए मैंने एक 2 लाइन कविता लिखा। अरे भाई 2 लाइन कविता लिखे हैं मोदी जी के लिए, कल तो जन्मदिन भी है। सुनिए तो उन्हीं का जन्मदिन के खुशी में बोल देते हैं। बोल दीजिए। घाटे घाटे घाट देखनी, देश के विकास देखनी, मोदी के सरकार देखनी, योगी के कमाल देखनी, बुलडोजर के वार देखनी। का भैया ठीक वाह। मोदी योगी मनोज तिवारी कर ऐसन कमाल है, मोदी योगी मनोज तिवारी कर ऐसन कमाल, आ देश के आगे झुके ही तो कांग्रेस के सरकार बोला है रे मोदी सरकार। और क्या चाहिए, मोदी सरकार के जबरा फैन। क्या लग रहा है 100 दिन में कुछ काम हुआ? बस मैं बोलना नहीं चाह रहा। बोलना नहीं चाह रहे मतलब हुआ ही नहीं, किसी और से बदल कर ले। क्यों, वोट तो आप भी करते हैं ना, मतदान तो किया होगा ना, तो बताइए कि वाकई इन 100 दिनों में कुछ काम किए हैं मोदी सरकार की नहीं किए हैं? किए मोदी सरकार, काम क्यों नहीं किए? किए हैं, कुछ काम हुआ है इन 100 दिनों में आपको लगता है? ऐसा क्यों नहीं हुआ है? कांग्रेस तो कह रही है केवल रेल हादसे हुए, आतंकवादी हमले हुए, यही सब चीजें। हमने अभी सुना ही होगा जब राहुल गांधी हमारे अमेरिका गए हैं तो ये किन से मिले हैं, क्या कह रहे हैं? अगर इनके हिसाब से अगर चला जाए तो देश पता नहीं किस रास्ते जाएगा। तो फॉर श्योर मोदी काम कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। कह रहे हैं कि यूथ के लिए तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं ये बताएं, इन्होंने क्या सोचा था और क्या किया था यूथ के लिए? तो ये आगे ब्लेम भी करते हैं। युवा हूँ मैं, अच्छे से समझ सकता हूँ। अगर 50 साल के होके भी युवा बनते हैं तो फिर शायद युवा तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे फिर। तो देखिए जनता जो है साफ तौर, बहुत देर से आप भी सुन रहे हैं, क्या गुटका उटका भरे हैं क्या? नहीं नहीं। हाँ तो बताइए। काम तो किए हैं मोदी जी, हम लोग भी मोदी जी को ही सपोर्ट करते हैं। मोदी को ही सपोर्ट करते हैं, पर विपक्ष उस तरीके से हावी हो रहा है। हाँ तो वो विपक्ष का तो आखिर ये बनता है ना कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए वो विरोध करे और सारा चीज। क्या लगता है बेहतर हुआ है हालात 100 दिन कार्यकाल में? बहुत काम हुआ है। हुआ है हाँ। कांग्रेस कह रही है केवल रेल हादसा लो, आतंकवादी हमला लो, ये एकदम फटाफट फटाफट केवल यही मिल रहा है। वो वाली कहावत सुने हैं भी, भूखी बिल्ली जो है खम्भा नोचे, तो ये कांग्रेस भूखी बिल्ली खिसियाई बिल्ली जो कहिए, ये कांग्रेस का हाल है। अब वो 70 साल खाई है, आज भूखी पड़ी है 10 साल से। तो वो तो सोच रही है कैसे भी किसी का मुंडी मरोड़ के और जेब में रख ले। ये हालात हैं। तो उसे इज्जत कांग्रेस के ये हालात है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, इसीलिए जो है कुछ आ रहा और अनाप शनाप बोल रही है। क्या लग रहा है? मैं सबसे पहले तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कल जो उनका 74वां जन्मदिवस है, मैं उन पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये जो विपक्ष ने जो 100 दिन का जो टारगेट रखा कि आपने 100 दिन में क्या किया, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा पत्रकार साहिबा कि 100 दिन पहले भी जो अभी 10.5 साल से माननीय 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, 75 योजनाएँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की हैं, अगर मैं गिनूंगा तो मेरे ख्याल से 1 घंटा लग जाएगा, और जिस पर जो काम हुआ है। लेकिन 100 दिन के अंदर जो इस सरकार ने हमारा काम किया है, विपक्ष ने किसी भी तरह का, आपने ये वो कह रही है रेल हादसे, देखिए रेल हादसा वहाँ पर काफ़ी पत्थरबाज या कई वहाँ पर पकड़े भी गए हैं जो इसके रेल हादसे के जिम्मेदार रहे हैं। और आगे की जो रणनीति माननीय मोदी जी की, देखिए G20 का कार्यक्रम जब से हुआ है, हर एक 25 कंट्री एक ऐसी हैं जो 25 कंट्री ऐसी जुड़ी हैं जो इन्होंने 3 लाख करोड़ का जो हमारे निवेश किया है भारत से, 25 कंट्रियों ने G20 के कार्यक्रम से 3 लाख करोड़ का जो हमारे भारत से उन्होंने समझौता किया और वो सफल हुआ है। ठीक है, हमारी जो
अभी आप देखिए, मैं आप एक छोटा सा उदाहरण जरूर दूंगा, मैं उज्ज्वला योजना का नाम जरूर लूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देखिए 10.5 करोड़ माताओं बहनों को निःशुल्क ऐसी बात कहे तो कैसे देखें। देखिए विपक्ष का कहना है, विपक्ष आप ये देखिए पब्लिक तक, आम जनता तक, पब्लिक तक योजनाएं पहुंची हैं। आपके पास पहुंची योजना? मेरे पास भी पहुंची, हमने भी दी है, हमने भी दी है। 23.5 करोड़ शौचालय का निर्माण किया है। देखिए एक माँ बहन बेटी अगर शौचालय में जाती थी तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है। 10.5 करोड़ माताओं बहनों को जिनके पास सिलेंडर चूल्हा नहीं होता था। देश के प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री का चेहरा आप देख पा रहे हैं? देखिए मैं कल उनका 75 जो बर्थडे है, मैं कहूँगा उनकी उम्र 100 साल तक रहे और आगे भी वो रहे, क्योंकि उनका जो मानसिक सोच है, देश के विकास की सोच है, देश की युवाओं के लिए सोच है, युवाओं के लिए, सुनिए एक मिनट, युवाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मुद्रा लोन 10 लाख रुपए, देखा अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा है, रोजगार नहीं कर पा रहा है, तो उनके लिए 10 लाख रुपए मुद्रा लोन की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन 10 लाख नहीं था, अब 20 लाख कर दिया। देखिए 20 लाख रुपया, आप एक युवा अगर नौकरी नहीं मिल पा रही है, उसकी एज निकल गई है, गवर्नमेंट नौकरी नहीं कर पा रहा, तो वो 20 लाख रुपये मुद्रा लोन, किशोर लोन, तरुण लोन, शिशु लोन, ये 3 लोन बिल्कुल चालू है, आज भी चालू है और ये 10 साल से लागू भी है। इससे आप कहीं भी आप अपना रोजगार कर सकते हो और 60% ब्याज पर, बहुत ही सस्ते ब्याज पर, ये प्रधानमंत्री की इतनी अच्छी योजना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से जनता इन सारी चीजों को देखती हुई नजर आ रही है, किन योजनाओं की वो बात कर रही है और किन योजनाओं से वो लाभान्वित हुई है, उसे वो चीजें मिली है। लेकिन जो हादसों को लेकर के विपक्ष पूरी तरीके से निशाना साधते हुए दिख रहा है, तो जनता इसका इसमें साफ तौर पर कहना है कि खिसियाए बिल्ली खंभा नोचे। फिलहाल 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है, आपको उसका कार्यकाल कैसा लगा है कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।